लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक पुलिस अधिकारी ने स्कूल के बाहर बैठे एक मासूम बच्चे को रोते हुआ देखा तो उसके पास गया। वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस बच्चे के पास ना तो बैग था ना ही स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता था। उसी वक्त उस पुलिस अधिकारी ने बच्चे को पास की दुकान ले जाकर किताबें दिलाई जिससे वो स्कूल जा सके। इंटरनेट पर ये फोटो बहुत ही वायरल हो रही है। लोग इस पुलिस अधिकारी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी PO2 नेस्टर लुमिक्वियो जूनियर उस समय वहां पर ड्यूटी कर रहे थे जब उन्होंने रोते हुए एक बच्चे को देखा था। पूछने पर पता चला कि उसके पास स्कूल जाने के लिए के कुछ नहीं है। लोग कई कारणों से पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इस पुलिस अधिकारी ने साबित कर दिया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। उसने बिना किसी स्वार्थ के उस बच्चे की चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और उसका भविष्य बेहतर बनाने के लिए उसे हर चीज दिलाई जिसकी उसे जरूरत थी और खुद पैसे दिए। इससे ये साबित होता है कि एक पुलिस अधिकारी हर समय देश की सेवा और देश के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है।